Hi friends, namaste. Jay Cooks में आपका स्वागत है. आज मैं बनाऊंगी गेहूं की लैप्सी. ये जो गेहूं की लैप्सी है ये बहुत प्रोटीन युक्त होती है क्योंकि इसमें मैं डालूंगी गुड़. मगर ये लैप्सी के लिए मैं जो गेहूं यूज करूंगी वो ऐसे टुकड़ा टुकड़ा है. मार्केट में इस तरह का गेहूं मिलता है, रवा की तरह होता है, एक थोड़ा सा मोटा रवा की तरह होता है और एक जरा और एक थोड़ा सा मीडियम टाइप में होता है. तो मैंने यहाँ पे गेहूँ जो थोड़ा सा मीडियम टाइप का है मोटापा वो यूज किया है. तो चलिए दिखाती हूँ कैसे बनती है लैप्सी. मैंने यहाँ पे पैन को गरम किया हुआ है. इस पैन में मैं घी डालकर इस गेहूं को अच्छी तरह से फ्राई करके लूंगी. बारीक आंच पे इसे फ्राई करना है. मैं यहाँ पे जो गेहूं था उसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है. मैं इस पैन में डाल दिया, इसे 3 सीटी दे दूंगी. मैं इसमें ये उबला हुआ गर्म पानी डालती हूँ और इसे 3 सीटी दे दूंगी और इसके आगे आप देखेंगे. इसी पैन में मैं ये गुड़ फ्राई करके लूंगी के साथ. जो घी बचा था हमारा मैं 1 चम्मच इसमें डालती हूँ. जो मेरे काजू है मैं इस बादाम मसाले से ले लूंगी. आपको जितना चाहिए उतने आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं. अच्छे से फ्राई करके लीजिए. थोड़ा सा किशमिश डालूंगी. आपके पास अगर ग्रीन किशमिश है तो प्लीज आप ग्रीन वाला यूज करें, वो बहुत स्वादिष्ट आता है. ये गुड़ इसमें मैं ऐड करूंगी. मैं ये केसर का पानी इसमें ऐड करती हूँ. इसमें और थोड़ा पानी डाला तो ले दूंगी. ये बारीक आंच पर मैं इसे छोड़ दूंगी. यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं वो लैप्सी के लिए पाक बना रही हूँ. गुड़ और सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने डालकर पानी डालकर उसे उबाल रही हूँ. ये कुछ देर तक 10 मिनट में इसे उबालने दूंगी और फिर ये जो पाक है मैं उस लैप्सी में वो गेहूँ उबला हुआ जो है उसके अंदर ऐड करूँगी. फिर हमारी तैयार है लैप्सी, आप देखेंगे. तो इसे मैं छोड़ देती हूँ 10 मिनट के लिए. यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा पाक बढ़ रहा है और यहाँ पर गेहूँ अच्छी तरह से पक रहा है और मुझे लगता है ये पक चुका है. मैं अभी ये पाक इसमें ऐड करूँगी. क्या ये पक चुका है? ये जो मैंने पाक बनाया था ये मैं इसमें डाल दूंगी. मैं
हमारी लैप्सी तैयार है। चलिए देखते हैं। मैं इसे अभी निकालती हूँ पैन ग्राइंडिंग प्लेट में। आपने देखा फिर लैप्सी कैसी बनती है गेहूँ और गुड़ की, तो आप भी बनाइए, सबको खिलाइए और प्लीज मुझे बताइए कि आपके लैप्सी कैसे बनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।